हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है और आज ना हम ट्राई करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैलेंज जो कि है स्पाइसी रामेन चैलेंज। और इसका ना एक पार्ट मैंने कर रखा है, चाहे तो देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक कर दूंगी। और वो था आई थिंक देबक का चीज़ रामेन, गोस्ट पेपर चीज़ रामेन। और अभी हम ट्राई करने जा रहे हैं देबक का गोस्ट पेपर ड्राई ब्लैक रामेन। तो ये हम ट्राई करने जा रहे हैं देबक का गोस्ट पेपर ड्राई ब्लैक रामेन, एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू ट्राई ये कैसा होगा। और ये हम करने जा रहे हैं चैलेंज, मतलब कि आई थिंक मैं टाइम लिमिट का नहीं करती, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको ख़त्म कर लूँ जितना कर सकूँ बिना पानी पिए, या हम एक ग्लास मिल्क रखेंगे क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भैया, तो उसके एंड लेट्स सी कैसा होगा। और इसी चक्कर में ना मैंने इसे कॉटन शॉटन का कपड़ा पहन रखा है, वरना अच्छा खासा हुआ ठंडा हो रखा है। बट ये था कि पता है कि स्पाइसी तो होने वाला है, तो अगर इसमें स्वेटर श्वेटर पहन लिया तो बैड बच जाएगी, तो गर्मी में से पसीने पसीने टपक रहे होंगे, एकदम एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस बेस में हमने सोचा कि ऐसे कर लेते हैं। और इसके अंदर इसका ये है 1000 स्कोविल हीट यूनिट। This is 1000 स्कोविल हीट यूनिट। पढ़ना नहीं चाहिए था, गलती कर दी। डफर, चलिए ठीक है, अब हम ट्राई करने जा रहे हैं देबक का गोस्ट पेपर ड्राई ब्लैक इंस्टेंट रामेन। तो ये रहा पूरा नाम, हाँ। तो चलिए चलते हैं, बनाते पकाते और खाते हैं, लेट्स गो। हेलो एवरीवन, देखिए ये जो है ये रहा वो देबक गोस्ट पेपर ब्लैक ड्राई रामेन इंस्टेंट। और पता, मैंने जब इसका जब तक मैंने इसका ऑयल नहीं डाला था वो गोस्ट पेपर, तब तक मुझे लगा था अरे मैं खा लूँगी, मगर बहुत ज़्यादा तीखी खुशबू है इसकी, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस वीडियो का फ्यूचर पहले से पता है कि ये कंप्लीट नहीं होने वाला है। और दूध है हमारे पास भैया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी वानी से बेटर होता है कि आप मिल्क लें या मिल्क प्रोडक्ट ऐसे कुछ डेरी वेरी करें पहले भी और आखिर बाद में, मतलब ऐसे कुछ स्पाइसी खाने से पहले और स्पाइसी खाने के बाद हमेशा ना, अगर आप डेरी प्रोडक्ट्स को आप कंज्यूम करते हो तो थोड़ा आपके ऐसे होता है ना स्टमक में, ऐसे एक लेयर बन जाती है प्रोटेक्टिव, सो दैट्स गुड। तो अभी फ़िलहाल हमने इस एडवेंचर के लिए हमने ट्राई तो कर लिया है, बट पता नहीं कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छी फील आ रही है, क्योंकि एक तो ये भी हो गया ना, बहुत टाइम हो गया कि मैंने स्पाइसी नूडल्स मैंने खाए नहीं हैं, चैलेंजेस करे नहीं हैं, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रैक्टिस हो रखा है। चलिए अब ट्राई करते हैं पहला बाइट। स्पाइसी मीठा दोनों, अभी तक तो ठीक है। खोल
स्टार्टिंग में लगा था कि स्पाइसी नहीं है, धीरे धीरे एंड कितना बचा है देखो, टेस्टी है। मतलब जब तक आपकी बैंड ना बजे तब तक ये आपको टेस्टी टेस्ट आएगा, उसके बाद तो बहुत टाइम बाद खा रही हूँ स्पाइस बेस का। वो एडवेंचर मज़ेदार था। आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा वापस अपना स्पाइस लेवल वापस थोड़ा बढ़ाने लगूँगी, आई विल बी एबल टू कम्प्लीट इट। मतलब ये आई थिंक सैमयंग जो 2x और 3x के मिड का है ये, तो दिस इज़ इटेबल। थोड़ा और वक्त दो, हो जाएगा। जिनको ट्राई करना है, जिन्होंने ट्राई कर रखा है, प्लीज़ बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट करना बताना कैसा रहा। इससे पहले मैंने चीज़ वाला खाया था, मैं लिंक कर दूँगी, और अब ये वाला खाया है। यार मेरा स्पाइस का टॉलरेंस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, सही करना पड़ेगा। मतलब अभी मैंने बहुत सारी ऐसे वो मीठे में गजक होती है विंटर वाली गजक और सेव, मीठी सेव, पता नहीं क्या क्या खाया है। था तो अच्छा, गुड थिंग, आई लाइक इट। मैं ना पहली बार ऐसा होगा कैसे स्पाइसी नूडल खा के आधा बंद करके भी मैं वापस जाके खा रही हूँ। तो दिस वॉज क्वाइट गुड, अच्छा एक्सपीरियंस, सही स्पाइस, टेस्ट भी सही था, मज़ा आ जाएगा जिसको ऐसा भयंकर स्पाइस पसंद है। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड आई थिंक मैं फिर से ट्राई ज़रूर करूँगी, क्योंकि आई नो आई कैन कम्प्लीट दिस। बस थोड़ा प्रैक्टिस चली गई है, बट आई लाइक इट, क्वाइट गुड इन टेस्ट, गुड इन स्पाइस। एंड आप ऐसे बोल सकते ना 1000 स्कोविल यूनिट का हमने खाया, सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक दो बार थोड़ा अब हम आई थिंक स्पाइसी नूडल्स पे आना चाहिए थोड़ा सा, ऐसे कैसे। तो चलिए बाय बाय करते हैं, बाय बाय, जल्दी हम आपको फिर से मिलते हैं, बाय।